Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Write cubes in extended form 2x plus 1 whole raised to 3. यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है 2x plus 1 whole raised to 3, इसको आपको extend करना है. तो देखिए कैसे extend करेंगे, 2x plus 1 whole raised to 3 आपको यहाँ पे given है. तो देखिए आपका यहाँ पे एक formula होता है, a plus b का पावर यदि 3 होता है, तो देखिए आपका फॉर्मूला है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इनटू a प्लस b. ये फॉर्मूला होता है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा. तो देखिए कैसे होगा, 2x प्लस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 इनटू 2x इनटू 1, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2x प्लस 1, एंड इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 8x की पावर 3 प्लस 1, तो आपका आ जाएगा ये 3 2 जा 6, 6x इनटू ब्रैकेट में आपका कितना आ जाएगा ये 2x प्लस 1. नाउ यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका चल रहा था 2x प्लस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू, ये आपका आया 8x की पावर 3 प्लस 1, तो अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 6x है और इसके अंदर मल्टीप्लाई कराना है 2x, तो आपको कितना हो जाएगा ये 12x स्क्वायर प्लस आगे आपका 6x प्लस 1 है, मतलब ये 1 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, सिंपल 6x हो जाएगा. एंड इसको यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इस तरह ये राइट हो जाएगा और आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैंस 2x प्लस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.